नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। मेरा नाम है प्रवीण सैनी, मैं आपका स्टडी फंडा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का जो का एग्जाम हुआ था उसके हिस्ट्री क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में विद सोर्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं जो इस एग्जाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री सेक्शन के बारे में टोटल क्वेश्चन जो है आपके इस बार जो सीएपीएफ 2021 के एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सोर्सेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 9 क्वेश्चन आपके लूसेंट से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी में वेरियस टाइप के अलग अलग आपके जितने भी क्लासेस के एनसीईआरटी है उसके अंदर विद सोर्स हमने डाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मतलब कोई बुक में वो बेसिकली क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले, बट हाँ गूगल पे उनके आंसर जो है अवेलेबल थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हरप्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबंडन ड्यूरिंग, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने सेट ए से उठाए हैं, तो जिन लोगों का सेट ए था तो आप आंसर की भी आपके मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर सी होना था इसका, 1800 BCE। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में थीम वन की जो आपके एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, वहां पे एंड ऑफ सिविलाइजेशन नाम का टॉपिक है फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे क्लियरली इट इज मेंशन दैट देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मैच्योर हरप्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबेंडन। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से था, आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मध्यमिका करिका द बेसिक टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, जो करेक्ट आंसर था इसका नागार्जुन था। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, हिस्ट्री के जो इस बार क्वेश्चन आए थे वो आज की हिस्ट्री में लास्ट के अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं कहूंगा कि इस बार देखने को मिले थे। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके के थे, पहले अर्लियर बेसिकली 2018-19 के टाइम पे जो है आपके इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे, या तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल जो है 2020 के बाद से जो है आपके जैसे 2021 का आपका एग्जाम हुआ इसमें थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आने शुरू हुए। इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिए, आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना है जो सीएपीएफ 2022 के एस्पिरेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सीएपीएफ 2022 एसी के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए मैं लास्ट में जो है सोर्स भी मेंशन करूंगा कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। राइट, तो ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आपकी है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की, इनको देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहां तक मेरा आइडिया है 2000 के आसपास पेजेस में बनेंगे आपके। ठीक है, 2000 नहीं तो 1500 प्लस पेजेस आपके रहेंगे। ठीक है, बराबर में एक बुक का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, लुसेंट की जीके बुक आती है। ठीक है, ये जो बुक है पूरा हिस्ट्री इसमें जो है 100 पेजेस के अंदर कवर है, लेकिन वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सोर्स रेफर करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन था डायरेक्टली आपके दिया हुआ है स्पेक्ट्रा इसमें, सॉरी आपकी जो ये बुक है लुसेंट की जो जीके बुक है हमने सोर्स में मेंशन किया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मध्यमिका करिका। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे मध्यमिका करिका, ये जो है नागार्जुना ने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका लुसेंट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑथर्स एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें सारे करेक्टली मैच्ड है, बस 42nd का जो डी ऑप्शन है आपका कालिदासा, ये जो है ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको जो एलुशन में देखने को मिल जाएगा। एक हमने ना आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी सारी बुक्स की। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ये वाला भी और इससे पहले वाला भी उन 3 पेजेस की बुक्स के अंदर जो है सारे के सारे मेंशन थे, बाकी आपको लुशन में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि किसी बुक में मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला, आपको गूगल पे बेसिकली मिल जाएगा, बाकी किसी भी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं रहा। इसका जो करेक्ट आंसर था कुमराहर और बुलंदीबाग था। अब जो लोग पटना के आसपास के रीजन के बच्चे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको शायद इस पर्टिकुलर रीजन का पता हो, स्पेशली पटना के आसपास की, क्योंकि ये दोनों जगह वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये किसी एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ ना लोशन की बुक में मुझे मिला, ये डायरेक्टली जो है गूगल से हमने आंसर फाइंड आउट किया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धास इमेजेस आर लार्जली केव्ड इन, अब है मुद्रा इसका करेक्ट आंसर आएगा, और ये आपको जो है 11th क्लास के आपके एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर वाली, उसमें पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है अभय मुद्रा के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्वानास आर आइडेंटिफाई इन द पुरानास बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंध्रा जाएगा, ये भी आप देख सकते हो आपका दिया हुआ है लूसेंट बुक के अंदर।
ऑल्दो मे भी हो सकता है किसी और एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हो, बट मैंने लुसेंट का सोर्सेज में रेफर किया है, तो आप देख सकते हो लुसेंट से 9 क्वेश्चन आपके टोटल आए हैं 20 में से, ठीक है। और पढ़ने पेजेस कितने पढ़ने, सिर्फ 100 पेजेस पढ़ने, बट कैसे पढ़ने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका क्लियरली आपको बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट वाइज आंसर नहीं मिलेगा, बट इसका हमने जहां तक फाइंड आउट करने की कोशिश की आपका आंसर इसका सी आएगा, ऑप्शन सी। और पहली स्टेटमेंट जो है ये दी हुई है आपकी लुसेंट बुक के अंदर, और दूसरी से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता हमने गूगल पे फाइंड आउट किया था, बट लुसेंट में ये चीज नहीं दी हुई है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड बिल्डिंग, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स रेज द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर बाय द एडिंग 5th स्टोरी। अब ये क्वेश्चन जो है किसी भी जो है एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने सभी एनसीईआरटी चेक किए हैं प्रॉपर, इसलिए बहुत सारा टाइम आपका जो इस वीडियो बनाने में लगा है। किसी भी एनसीईआरटी के अंदर 5th स्टोरी का कोई जिक्र नहीं है, 5th स्टोरी का जिक्र आपका कुतुब मीनार की जो वेबसाइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट पे जो डाटा दिया हुआ है वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड द 5th एंड द लास्ट स्टोरी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बट ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे कि ये वाले जो राजा है सारे पहले आए थे, तो सबसे लास्ट में जो है आपका फिरोज शाह तुगलक इनका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डेक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच, तो निजाम शाही जो थे बेसिकली वो अहमदनगर के थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवोल्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका टेबल से, आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कानपुर। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये जो देखोगे यहाँ पे आप मेजोरिटी ऑफ द चीज इसमें से इसमें लिखा हुआ है, अकबर इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन एरिया जब सिस्टम फ्रॉम लाहौर टू अलाहाबाद, और इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है पंजाब से अवध, तो ये दोनों जो है एरिया लाहौर और आपका अलाहाबाद के बीच में ही पड़ते हैं आपका पंजाब भी और अवध भी, ठीक है। तो यहाँ से पहले स्टेटमेंट उठाई गई है, दूसरी नीचे से है, ये आप देख सकते हो कनकूट यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है बेसिकली मेडाइवल हिस्ट्री की बुक से जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टेटमेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज आपने नोट करी है वो यहाँ पे, जनरली पहले जो आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते थे आपके स्पेक्ट्रम से आ जाते थे, या तो या फिर एनसीईआरटी जो आपकी थीम्स 12th क्लास वाली है उससे आ जाते थे, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, ना तो स्पेक्ट्रम से मुझे कोई एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं मिला, बाकी सभी के सभी आपके आउट ऑफ द फ्लो जो है क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट आपका देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वांट दिस हिज क्लेगर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट वर्क्ड आउट। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो आएगा सोमनाथ लहरी, और ये आपका जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी आपकी है जो थीम्स वाली, उसके अंदर दिया हुआ है, थीम 3 का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर के रिगार्डिंग ही है, अब ये भी जो है किसी एनसीईआरटी में जो है मुझे नहीं मिला इसका पर्टिकुलरली आंसर कि कैपिटल जो है शिफ्ट की थी या नहीं की थी, ये 4th ऑप्शन में इसका बेसिकली आंसर जो है वो 4th स्टेटमेंट गलत है, तो आप अगर 4th स्टेटमेंट काटोगे तो ये भी गलत हो जाएगी, ये भी और ये भी, आंसर आपका सी आएगा यहाँ पे। तो 1599 के अंदर अकबर ने शिफ्ट किया था कैपिटल को, ठीक है, आगरा वापस। उसके बाद ये वाला जो डाटा हमने डाला है ये विकिपीडिया से डाटा डाला है। नेक्स्ट आपका अमर नायका वाला, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी बुक से ही आया हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। बी इसलिए आएगा इसके अंदर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो कैश में उनको पेमेंट्स बेसिकली नहीं मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, चीजें हाईलाइट हमने की है, कंटिजेंट प्रोवाइडेड द विजयनगर विद इफेक्टिव फाइटिंग, मतलब पूरा पढ़ लेना आप, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका पीडीएफ जो है हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है ले सकते हैं पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, तो तीनों ही पेयर जो है ये करेक्टली आपके मैच है, और ये भी डाटा जो आपको लुसेंट की बुक में मिल जाएगा, ऑल्दो ये आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा बट हमने लुसेंट से इसका रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क असफ जहां, तो इसका आंसर जो आएगा चिन कुली किलिच खा आएगा, और ये जो है डायरेक्टली आपको लुसेंट में देखने को मिलेगा, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजामुल मुल्क और किलिच खान, ठीक है। तो ये भी लुसेंट से ही आपका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द ग्रोथ ऑफ द सोशलिस्ट टेंडेंसी, ये आपको देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर है करेक्ट वो बोथ 1 और 3 है, और ये थीम 3 जो आपके एनसीईआरटी है आपको वहां से डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन, ये वाला जो है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका बी आएगा। काफी आंसर की इसमें आंसर डी दिया हुआ है, बट बिलीव मी इसका आंसर जो है वो बी ही है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द फाउंडिंग एंड सेटलिंग ऑफ द हिल स्टेशन फॉर इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो थीम 3 का पेज नंबर 327 है, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्मा सभा, जिसका करेक्ट आंसर आपका आएगा वो है आपका राधाकांत देव, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो धर्मा सभा इसके फाउंडर जो है राधाकांत देव, ठीक है, ये भी लूशन से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर्स ऑफ द 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन जो यूपीएससी हमेशा छोड़ने के लिए बनाते हैं, बट स्टिल अगर आप तुक्का भी मार के करके आते हो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये वाले जो क्वेश्चन है आपको, ये वाले स्पेक्ट्रम बुक में भी मुझे ढंग से नहीं मिले, मतलब स्टेटमेंट दी हुई है बट प्रॉपर क्लियर कट आंसर नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हमने गूगल से इसका सोर्स रेफर किया है, तो आपको गूगल पे तो मिल जाएगा बट स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है बट एग्जैक्ट सारी सके सारे नाम डिटेल में नहीं दिए हुए। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज, जस्ट अ सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू द निर्गुणा स्कूल ऑफ भक्ति। तो इसका आंसर जो आएगा चैतन्य आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो प्रॉपर, ठीक है। इधर से आपका दादू दयाल भी आ गए यहाँ पे और गुरु नानक जी भी यहाँ पे आ गए निर्गुणा भक्ति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका डी आएगा चैतन्य, ये भी जो है लूशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले चीज तो ये है, आपने देख लिया है क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमावदार इस बार पूछे गए थे। मेरा पर्सनली ये मानना है हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्स जो है आपको सब लोग जो है रेफर करेंगे, ठीक है। बट पर्सनली मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो चीजों को रटते बहुत अच्छे से हैं, ठीक है, एक होते हैं जो चीजों को समझते बहुत अच्छे से हैं। अगर आप चीजों को रट सकते हैं बहुत अच्छे से, देन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लूशन की आप एनसीईआरटी लूशन की सॉरी जीके की बुक जो आती है वो वाली, उसमें मेरे ख्याल में मैक्सिमम 120 पेजेस होंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी उसी में कवर हो जाएगी, आपकी एंशियंट हिस्ट्री भी उसी में कवर हो जाएगी और आपकी मेडाइवल भी उसी में कवर हो जाएगी, ठीक है। 120 पेज आपको पढ़ने हैं, प्लस में थीम्स की जो एनसीईआरटी है 1, 2, 3, 12 क्लास की सिर्फ वो पढ़ने हैं। अब दूसरे बच्चे जिनके पास टाइम भी है, अभी देखिए अभी आपका ये महीना सेप्टेम्बर का है तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 महीनों का टाइम लगा के चलो कि 10 महीने का टाइम, 10 से ज्यादा ही वैसे तो, बट आप लगा के चलो कि 10 महीने का टाइम है। अगर आप 10 महीने के टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं रेफर करूंगा स्पेक्ट्रम को, इस बार बिल्कुल नेग्लेक्ट मैं कर रहा हूँ। रीजन बिंग स्पेक्ट्रम के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे के सारे आपके लूशंट कवर कर देगा, ये मेरी गारंटी है, लूशंट सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर कर देगा। बट जिन लोगों को जो है ढंग से डिटेल में पढ़ना है, जिनको फैक्चुअल चीजें याद कम होती है बट आपको अंडरस्टैंडिंग से होती है, तो आपके लिए मेरे जो सोर्स है वो है थीम्स की एनसीईआरटी, आप पढ़िए पार्ट 1, 2 एंड 3, और उसके बाद तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुक आती है दो पार्ट है ये पढ़ लेना, ये हार्डली आपका 8 से 10 दिन में दोनों के दोनों पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको लूशन जी के पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसान आपको लगेगी, ठीक है। कोई भी डाउट और आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 2022 एक्सपीरियंस के लिए ये तीन बुक्स मैं रेफर कर रहा हूँ, जो बिल्कुल रट सकते हैं तो थीम्स वाली और लूशन की जीके बुक पढ़ लो, और अगर आपको समझने में दिक्कत आती है रटा नहीं जाता है तो लूशन की जगह पहले तमिलनाडु बोर्ड पढ़ो, उसके बाद लूशन बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। नो क्वेश्चन इस बार जो है लूशन से डायरेक्टली आपको देखने को मिले थे। स्पेक्ट्रम का मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में ऑलमोस्ट 800 से 900 पेजेस हैं, और स्पेक्ट्रम एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी तब जाके आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो स्पेक्ट्रम से आप सोच सकते हो कि वो स्पेक्ट्रम से आ जाएंगे आपको, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम में आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी धर्मा सभा के बारे में। अब देखिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन धर्मा सभा के फाउंडर के बारे में पूछा है, तो यार इतना डाटा तो इन्होंने दिया ही हुआ है, नाम दे दिया है और फाउंडर कौन है वो दे दिया, इतना ही आपको चाहिए तो जरूर थोड़ा इसके बारे में बिल्कुल सभी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, राइट। उसके बाद जैसे आपका और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे ये निजामुल मुल्क वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम के अंदर, बट मेरे हिसाब से 800-900 पेजेस बुक पढ़ने की बजाय आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पढ़िए, टेबल इंपॉर्टेंट वैसे ही होते हैं आपको पता है, ठीक है। रोहित तिवारी वाला भी आपको स्पेक्ट्रम की बजाय आप यहाँ से पढ़ सकते हो 3। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, बट यहाँ से आप डायरेक्ट आप देख सकते हो डायरेक्टली है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है स्पेक्ट्रम। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि थीम के एनसीईआरटी पढ़िए और 11th और 12th क्लास की जो है आपको पढ़नी है आप ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, प्लस में लूशन की बुक जरूर खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट आपके डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।